Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mujhe pata hai ki is waqt jo hamare rehbar talim usadza sahiban hai unki aankhon mein neend nahi hai, pareshani ka alam hai. सब परेशान हैं कि जो इस वक्त कंडीशन इज़ प्रिवेलिंग, जो सिचुएशन इस वक्त हमारे साथ है और हम इसके शिकार हो चुके हैं. ये हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसकी जितनी भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए उतनी कम है. मैं ये बावर कराना चाहता हूँ एक मरतबा फिर आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए कि जम्मू व कश्मीर के पढ़े लिखे यूथ के साथ जो है, ये मेरी ज़ाती राय है कि हमारे साथ धोखा किया गया. हमारे साथ जो है, जिस सरकार ने भी ये स्कीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है रियासत जम्मू कश्मीर में, जो हमें आज दिख रहा है, या जो साबिका सरकार यहाँ पे थी, जब उन्होंने ये कहा कि अगर हम कोई बात कहेंगे तो इनके जज्बात, 41,000 लोगों के जज्बात मजरूह हो जाएंगे. मैं उन तक आज ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जो भी सरकार आज तक आई है या इस वक्त गवर्नर इंतज़ामिया है, कि मेरी ये बात अगर आपकी वसादत से उन तक पहुंच सकती है तो पहुंचे, या उनकी मिशनरी के जितने भी लोग मेरा ये लाइव वीडियो इस वक्त देख रहे होंगे, वो अपने आला हुकाम तक मेरी ये आवाज़, मेरी ये बात पहुँचाए कि ये जो स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई, आज मैं फिर से बावर कराना चाहता हूँ. क्यों जिन लोगों ने वादा किया वही अपने वादे भूल जाते हैं? हमें कहा गया कि आप रहबर तालीम उस्ताद एजुकेशन डिपार्टमेंट में आइए. हमें कहा गया कि आपको एक दिन का 50 रुपये मिलेगा, माहाना 1500 रुपये आपको मिलेगा. हमें कहा गया कि 3 साल के बाद आपको 5000 रुपये का इजाफा किया जाएगा. हमें कहा गया कि 5 साल के बाद आपकी जो नौकरी है इसको मुस्तकिल किया जाएगा और आपको रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स दिए जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ. हमें कहा गया कि जो एसएसआरबी के तहत टीचर्स को तैनात किया गया, जितने वो इंक्रीमेंट्स लेते हैं, जितने वो जो भी उन पे इम्प्लीमेंट हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से वक्तन फवक्तन, वो सब आप पे लागू किया जाएगा. हाँ, बिल्कुल हुआ. हमारे सर्विस बुक कहा गया कि बनाए जाएंगे, वो भी बने. 6th पे कमीशन का इतलाक हुआ तमाम 4.5 लाख मुलाजमीन पर जम्मू कश्मीर में, तो हमारे ऊपर भी हुआ. तो आज कैसे स्कीम बनाने वाले जिन्होंने इस स्कीम को यहाँ पर लाया, कैसे आज वही कहते हैं? कैसे उन लोगों ने, ज़रा उनके उनके ज़मीर को आज मैं झंझोड़ना चाहता हूँ. आज तो उनके उनसे मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो ये निज़ाम आपके हाथों में दिया था, इस रियासत जम्मू कश्मीर का, आपको इसलिए कुर्सियों पे बिठाया गया था, आपको इसलिए लोगों का मंडेट मिला था कि आप लोगों के मसले मसाइल हल करें, उनकी जो परेशानियाँ उनको हल करें. लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप सब तो आते हो इन कुर्सियों पर, बरजमान हो जाते हो, लेकिन आप जख्मों को कुरेते हो, आप जो है गैप्स बढ़ा देते हो, आप जो है यहाँ के जो जहाँ का जो यूथ है उसको मेंटल ट्रॉमा का शिकार कर देते हो. आपकी जो हीलिंग टच पॉलिसी थी, उस हीलिंग टच पॉलिसी के इवज़ यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान को आपने जिस परेशानी में मुब्तला किया, और जो परेशानी और जो मेंटल ट्रामा का वो शिकार हुआ है, उसके साथ साथ उसका अहलो अयाल, उसके बच्चे परेशानी में मुब्तला है. उसके बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए दवाई नहीं खरीद पा रहा है कोई, किसी की माँ कैंसर बीमारी में मुब्तला है, किसी का बाप बीमार है, किसी का बेटा बीमार है, कोई अपने बच्चे की फीस अदा नहीं कर पा रहा है, किसी का समाज में अब जीना हराम हो चुका है, किसी को किसी जगह पे दुकानदारों के प्रेसिडेंट ने ऐलान कर दिया है कि एसएसए के तहत जो उस साहिबान है उनको आप अब उधार मत दे दीजिए.
یعنی من جملہ ان تمام چیزوں کو جب ملایا جاتا ہے تو آپ کو جس منصب پہ لا کر کھڑا کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے مسائل آپ لوگوں کے احساسات کی ترجمانی کرے، آپ لوگوں کے جو ہے معاملات کا جو ہے وہ حل کرے، آپ لوگوں کے جو ہے مشکلاتوں کا ازالہ کرے، آپ لوگوں کی پریشانیوں کو کم کرے، لیکن آپ نے ہماری پریشانیوں کو بڑھا دیا، آپ نے ہمارے معاملاتوں میں اضافہ کر دیا، آپ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، آپ نے ہمیں سماج میں بے عزت کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ اور آج ہم پوچھنا چاہتے ہیں، سکستھ پہ کمیشن لے لیا، اب سیونتھ پہ کمیشن کا اطلاق ہر ایک کے اوپر ہو چکا ہے، ہمارے خلاف ہمارے ساتھ ناانصافی کیوں، ہماری برادری ہماری کمیونٹی کے ساتھ ناانصافی کیوں؟ ایک طرف آپ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں کوالٹی ایجوکیشن چاہیے، ایک طرف آپ دعویٰ کرتے ہو کہ ٹیچر ٹرین ہونا چاہیے، دوسری طرف ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، دوسری طرف ہمارے ساتھ وہ تمام ہتھ کنڈے جو ہے آپ نے اپنا کے رکھے ہیں، اور آج آپ کہتے ہو کہ بھائی اب اسٹیٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم آپ پر جو ہے سیونتھ پے کمیشن کا اطلاع کرے۔ آپ نے ہمیں آشواسن دیا، ہماری لیڈرشپ کو آشواسن دیا، ان کو یہ وشواس دیا کہ ہم آپ کا جو مسئلہ ہے پریارٹی پر حل کریں گے۔ ہمیں امید تھی کہ گورنر رول میں اگرچہ صاحب کا گورنمنٹ نے نہیں کیا، اگرچہ صاحب کا گورنمنٹ نے یہاں کے پڑھے لکھے یہاں کے معماری قوم کے ساتھ جو ناانصافی کی اس کا بدلہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، پتہ نہیں کس استاد کی آہ ان کو لگ گئی اور ان کا جو وہ تخت و تاج تھا وہ بکھر کے رہ گیا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، میں حق کی بات کہوں گا۔ آپ نے استاد کو بے عزت کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کا اقتدار چھین لیا، آپ نے ایک استاد کو اس کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی کرسیوں کو نیلام کر دیا اور آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب ہماری پوری امیدیں وابستہ تھی، گورنر رول آ گیا، یہ گورنر رول میں ہی ایف ای ٹیز کا مسئلہ جو ہے حل ہوا، 22 سال کے بعد کلرکل کا جو ہمارے بھائی کلرک حضرات ہیں ان کا مسئلہ حل ہوا، اور ہمیں بھی پوری اس گورنر رول میں جو اس وقت چل رہا ہے ریاست جموں کشمیر میں، ہمیں پوری توقع تھی کہ جناب این این وہرا صاحب جو ہے جو بڑے ہی اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک انسان ہیں کہ وہ سمجھے کہ یہاں کا جو یوتھ ہے اس کو اس وقت لایا گیا، ان کے پاس برابر یہ رپورٹس ہیں کہ ہمیں لایا گیا اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ مستقل ہے، آپ کی جو نوکری ہے یہ پرمننٹ ہو جائے گی، اور آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے سیونتھ پے کمیشن کا اطلاق نہیں۔ ہمیں اس وقت کیوں نہیں کہا گیا کہ آپ کا ہم ڈپارٹمنٹ میں ہمیں آپ لوگوں کی ضرورت ہے، آپ کو جو ہے کنسالیڈیٹڈ سیلری ملے گی۔ ہمیں اس وقت کیوں نہیں کہا گیا کہ آپ کو کنسالیڈیٹڈ سیلری پر کام کرنا پڑے گا؟ یہاں پہ اتنے ہزاروں میں اتنے کیسز ہیں کہ اور ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے نوکریاں وہاں پہ نہیں کی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں نوکریاں اختیار کی، پڑھے لکھے نوجوان جن کی یہ دلی تمنا اور دلی خواہش تھی کہ جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس علم کی بدولت وہ پہنچائے یہاں کی نئی نسل، یہاں کی نئی پود کے پاس۔ کیسے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں، کیسے آپ یہ اپنے دل میں یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان، ایک استاد ہمارا جو ہے وہ سکولوں میں جائے گا، اس کی پریشانیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہے، آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آسان طریقے سے کلاس میں جا کر بچوں کو پڑھائے؟ آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم کلاسوں میں جا کر وہ ایجوکیشن کوالٹی ایجوکیشن امپارٹ کر سکیں؟ ہم ذہنی طور پر پریشان ہیں، ہم کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہمیں اب ہمارا فیوچر اب آگے جائے گا کہاں؟ تو اس حوالے سے میں نے چاہا کہ آپ تک جو ہے آج میں اپنے رہبر تعلیم اساتذہ صاحبان سے اس وشے کے بارے میں بات کروں۔ فورم نے کافی کوششیں کی ہیں، اپنی جگہ پہ ہر جگہ پہ ہر محاذ پہ ہر جگہ جو ہے ریپرزنٹیشن دی ہے، یہ ٹائم کنزیومنگ گورنمنٹ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، کھلواڑ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، اب زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا، اب آر پار کی لڑائی ہوگی، آر پار کی لڑائی ایسی ہوگی کہ گورنمنٹ بھی یاد رکھے گی کہ رہبر تعلیم ٹیچرز فورم کس آرگنائزیشن کا نام ہے، رہبر تعلیم ٹیچرز فورم نے کر کے دکھایا ہے، اگر ہمارے ساتھ ایسے یہ
पेश नहीं आते, हमारे मसले मसाइल को हल नहीं करते, तो हमें फिर छीन कर लड़ कर सड़कों पर आकर अपने जो है मसले मसाइल हल करने बखूबी आते हैं। मेरी गुजारिश होगी तमाम रहबर तालीम उसाजा साहिबान से कि आप अपने में जो आज दिन भर या कल से जो या मैं रिसीव कर रहा हूँ फ़ोन कॉल सैकड़ों की तादाद में लोग जो है डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, मेरी गुजारिश होगी तमाम अपने भाइयों से अपनी बहनों से कि जो हमारा जो हम मर्द है, मर्द जो होता है मर्द लड़ता है, मर्द जो होता है मर्द मैदान में आकर लड़ता है, हम थोड़ी ऐसे जाने देंगे। हमारे पास सर्विस बुक है, हमने सिक्स्थ पे कमीशन भी लिया है, हमारे पास हर एक वो चीज़ है जो हमारे हक में जाती है। हमारे पास जो है कैबिनेट के ऑर्डर्स हैं, कैबिनेट ने जो ऑर्डर्स इजरा किए हैं वो तमाम हमारे हक में है, वो तमाम चीज़ें जो है वो हमारे हक में है। मेरी तमाम जो अदर फैक्शंस के जो हमारे लीडर्स हैं उनसे भी आज मैं पूछना चाहूँगा कि क्या वजह है कि अब भी हम कह रहे हैं कि हमारा जो आखिरी हथियार होगा वो आखिरी हथियार हम इस्तेमाल करेंगे लॉकआउट का। वो आखिरी हथियार आएगा कब? वो आखिरी हथियार तब आएगा जब किसी की माँ कैंसर के दर्द में मुब्तला होकर मर जाएगी। वो आखिरी हथियार तब आएगा जब मेरा एक भाई ऐसे हाथ फैलाए होगा और उसको अपने माँ बाप के लिए दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। वो आखिरी वक्त कब आएगा? आखिरी वक्त कब आएगा जबकि मेरा रहबर तालीम उस्ताद अपनी बहन के हाथ उन हाथों में मेहंदी नहीं लगा पा रहा है? ये आखिरी वक्त आएगा कब? आखिरी वक्त आ चुका है, आखिरी वक्त यही है। अब एक मुनज़म तौर पर हमें एक जुदजहद करने की ज़रूरत है, एक ऐसी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है जो बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड हो। वक्त गया, टाइम भी दिया गया, डेलीगेशंस भी गई, मेमोरेंडम भी पेश किए गए, हर एक चीज़ प्रोटेस्ट भी किए गए, हर एक चीज़ हर एक हथियार हमने जो है वो हमने आजमाया है। अब जो जंग होगी ये जंग आर पार होगी, अब जो लड़ाई होगी ये लड़ाई आर पार होगी। शायद जो है रियासती सरकार नहीं चाहती है, हमने कभी नहीं चाहा है कि हम यहाँ के बच्चों का जो मुस्तकबल है उसको हम खराब करें। हमने हमेशा चाहा है, हमारी लीडरशिप ने, हमारे रहबर तालीम उसाजा साहिबा ने हमेशा कहा है कि हम स्कूलों की जीनत बनना चाहते हैं, हम सड़कों की जीनत नहीं बनना चाहते, हम थानों की जीनत नहीं बनना चाहते, हम पुलिस वाले के हाथ से डंडा नहीं खाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे हाथ में कलम हो और ये हमारा जो कलम हो इस कलम की बदौलत हम इल्म के नूर से हम यहाँ का जो मुस्तकबल है उस मुस्तकबल को हम रोशनास कराएं, उस मुस्तकबल को हम संवारें, हम एक ऐसी कौम अपने इस स्टेट को दे सकें जिस कौम के हाथों में कल इस रियासत जम्मू कश्मीर की भागदौड़ होगी, एक अच्छे दिमाग हम पैदा कर सकें। लेकिन शायद ये आपका प्रोग्राम है कि यहाँ का गरीब बच्चा पढ़े ना, यहाँ का गरीब बच्चा जो है वो तालीम के नूर से अपनी ज़िंदगी को आरास्ता ना करे, शायद ये आपका प्रोग्राम है। यही वजह है कि आज भी जो एक रिपोर्ट आई है 1750 स्कूल जो रियासत जम्मू कश्मीर में है उनमें सिर्फ एक सिंगल टीचर काम कर रहा है आज के दौर में, तो ये बहुत बड़ी बदनसीबी है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम इस नाइंसाफ़ी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने जम्मू की सड़कों पे भी खून बहाया है, हमने कश्मीर की सड़कों पे भी अपने हुकूक़ की हुसूलयाबी के लिए अपना खून दिया है। हम किसी भी सूरत में कभी नहीं झुकेंगे, हम किसी भी सूरत में अपने रहबर तालीम उस्ताद का जो उसका विकार है उसको हम मिट्टी में मिलने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें थानों में बंद किया जाए, चाहे हमें सेंट्रल जेल भेज दिया जाए, चाहे हमारे ऊपर कुछ भी जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हम सर उठाकर अपना हक मांगेंगे और सर उठाकर अपना हक इंशाअल्लाह हम हासिल करके ही दम लेंगे। और हमें उम्मीद है कि रहबर तालीम टीचर्स फोरम इस हवाले से जो 16 तारीख की मीटिंग बुलाई गई है उसमें एक ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है वो नशर करेगी। बाकी मैं चाहूँगा, मुझे पता है, मुझे इस चीज़ की अलमियत है, मुझे इस चीज़ का एहसास है, मैं समझता हूँ कि किस दर्द व करब के हम शिकार हैं, किन परेशानियों में हम मुबतला है, कौन से हालात हमें उन हालातों से मेरे रहबर तालीम उस्ताद को गुजरना पड़ता है। मैंने एक भाई साहब की एक
जो है उनकी लेटर उनको कंपेल किया कि मैं इसको पब्लिश करना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे मेरे इनबॉक्स में बहुत सी दास्तानें जो है आती रहती है, लेकिन खुदा की कसम अब मैं सोचता हूँ शायद अब लोग कहेंगे कि अब ये ज़्यादा कर रहे हैं और मैं उनको अब टाइम लाइन पर नहीं ला रहा हूँ। क्या जवाब देगा मेरा इस वक्त मेरा सेक्रेटरी साहब, मेरा डायरेक्टर साहब? उसका एक उस्ताद ड्यूटी 15 किलोमीटर के लिए जाता है, जब वो जेब में हाथ डालता है तो सिर्फ 10 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए उसकी जेब में किराया होता है, और वो उतर जाता है बस से और फिर पैदल 5 किलोमीटर चला जाता है। ऐसे न जाने कितनी दास्तानें हैं, ऐसे न जाने कितनी परेशानियां हैं, और जिन जिन हमारे भाइयों का जो है जो बर्दाश्त से उनका बाहर हो जाता है तो फिर वो लाइव में आकर अपनी दास्तानें कहते हैं, और जो सीक्रेट हमारे साथ अपनी दास्तानें बयान करते हैं। हमारा भी सीना है, हम भी इंसान हैं, हम पत्थर से नहीं फूटे हैं, हमने भी माँ की कोख से जन्म लिया है, हमारे पास भी एक दर्द मंदाना दिल जो है, हमारी आंखों में भी कभी कभार क्योंकि अब हमें रिप्रेजेंटेटिव नाम पड़ा है और हम बड़े तगड़े रहते हैं, अदरवाइज हमारा भी दिल पिघलता है, हमारी आँखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं जब हम ये दास्तानें पढ़ते हैं। मेरी गुजारिश होगी मेरे रहबर तालीम, होनहार रहबर तालीम, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट की आन बान और शान जो हर एक ने एक्सेप्ट किया है, तमाम जम्मू कश्मीर रहबर तालीम, लद्दाख तक जो हमारे रहबर तालीम उसाजा साहिबान है, किसी भी फैक्शन से वो ताल्लुक रखते हो, किसी भी हो सकता है कि जो हमारा है इख्तलाफात हो सकते हैं, सोच में हमारा इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन प्रोफेशन हमारा एक है, इंक्लूजन हमारा एक है, ट्रांसफर हमारा एक है, सेवंथ पे कमीशन हमारा जो है ये हमारा है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी लीडरशिप पर जो आपका है, आपका एतमाद है लीडरशिप पर जो है, तो लीडरशिपस पेट भरूस कोरमुत, और आपका खफा होना, आपका नाराज होना ये बजा है, लेकिन उस नाराजगी को जाहिर करना भी आपका हक है, लेकिन अपनी नाराजगी को आप जाहिर कीजिए, अपनी नाराजगी को आप जाहिर कीजिए, लेकिन लिमिट्स में लेकर, लेकिन लिमिट्स में रहकर, एक मुनफरिद अंदाज में रहकर अपनी नाराज़गी अपने लीडर्स के साथ शेयर कीजिए। खुदा न खास्ता जो कोई शख्स आता है, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो रहबर तालीम उस्ताद हो, या चाहे वो उस्ताद हो, अगर गाली गलोच या नाजेबा अल्फाजों का जो हम इस्तेमाल करते हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश होगी कि ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि समाज को अगर इस वक्त किसी इंसान पर नज़र है, किसी शख्स पर नज़र है, तो वो एक उस्ताद पर नज़र है, क्योंकि उस्ताद का जो वाबस्तगी होती है, उस्ताद की वाबस्तगी हर एक घर के साथ होती है, क्योंकि हर समाज का हर एक घर से एक बच्चा निकलकर एक उस्ताद के पास ही आता है, और शाम के वक्त ये बच्चा अपने माँ बाप के साथ अपने उस्ताद की तमाम एक्टिविटीज़ जो है उनको बयान करता है, आज मेरे उस्ताद ने ये कहा, आज उसके कपड़े ऐसे थे, आज उसका जो है इखलाक ऐसा था, तो आज जो है ये चीज़ें जो है एक उस्ताद में होनी चाहिए, एक उस्ताद आला किरदार का मालिक होना चाहिए, एक उस्ताद जो है उसमें एक वो बड़ा क्लेवर होना चाहिए, क्योंकि हम वाइट कॉलर जॉब करने हमारी ज़बान से जो है बदतमीज़ वाले जो है अल्फाज अदा नहीं हो सकते। आप गुस्सा निकालिए, आप गिले शिकवे कीजिए, एक्सपेक्टेशन है आपकी लीडरशिप पे, लीडरशिप को नहीं कहोगे और लीडरशिप नहीं सुनेगी तो सुनेगा कौन? लीडरशिप से मेरी गुजारिश है, लीडरशिप सुने, अपना जो जिगर है, अपना जो सीना है, इसको बड़ा करें, वास्ट करें, और ये जो लोगों के जो जज्बात एहसासात हैं उनको अपने अंदर जो है उनको समाए, उनको जगा दे, उस दरिया की तरह बने, उस बहते पानी की तरह बने, जिस पर अगर हम पत्थर भी मार दें तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो दोनों साइड से मेरी यही गुजारिश होगी, अब चाहता हूँ एक लाइन सी लग गई है कि उनको जो ऐड होना चाहते हैं, इंशाल्लाह मैं जो भी ऐड होना चाहता है वो अपनी बात रखे इस हवाले से, अपनी बात मैं सीधी कहूँगा, आज आप अपनी बात रखें, हम नोट करेंगे, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, आपकी सजेशन जो है वो बेहतर हो सकती है। मैंने ऑलरेडी सजेशन दी है, मैंने ऑलरेडी कहा है कि अब इनको गले से पकड़ने की ज़रूरत है, अब लॉकआउट करने की ज़रूरत है, ये मेरी सजेशन है, ये शायद हतमी फैसला नहीं हो सकता, ये शायद एग्जीक्यूटिव में मुझसे ज़्यादा जो है लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है जो वहाँ पे अपनी राय दे सकते हैं, मेरी राय
سے اعلیٰ ان کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن بانڈی پورہ سے جو ہم نے بنایا ہوا ہے، میں نے آج سے 1.5 مہینے پہلے، میں نے اس سے پہلے، میں آج بھی کہتا ہوں، ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اسکولوں کو بند کیا جائے، میری یہ رائے ہے کہ ہم کمپلیٹ لاک آؤٹ پہ چلے جائے، لیکن لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ لیڈر کال دیں گے، امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ ایک ایک رہبر تعلیم استاد کو کرنا پڑے گا، پھر ڈگمگائیے گا نہیں، پھر میدان چھوڑ کر بھاگیے گا نہیں، پھر ایکشن ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیڈرشپ گرفتار ہو سکتی ہے، لیڈرشپ کے اوپر ایف آئی آر درج کیے جا سکتے ہیں، لیڈرشپ کو جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ میں سیدھی بات کہنے والا انسان ہوں، میں ڈائریکٹ بات کروں گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے لیڈرشپ کے خلاف، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو لائن بنا کر، سیکنڈ لائن بنا کر جمنا ہوگا، تھرڈ لائن بنا کر جمنا ہوگا، اور جب تک ہم ڈٹے رہیں، جب تک کہ ہمارا جو مدعا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ جڑنا چاہتے ہیں، اپنی رائے رکھنا چاہتے ہیں، آپ سب کا خیر مقدم، آپ رکھیے، میں ایک ایک کر کے سب کو کوشش کروں گا ایڈ کرنے کی۔ ہمارے بیچ بیچ میں فون آ جاتا ہے مجھے اور کٹ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے ہیں رہبر تعلیم ٹیچرز فورم کے سیکرٹری جناب ظہور الدین بیگ صاحب۔ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی تھی، اب ٹھیک آ رہی ہے، اب پانی سر کے اوپر چلا گیا ہے، اب ایسا مسئلہ نہیں ہے، اب رہبر تعلیم فورم بیٹھے گی نہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم نے پہلے ہی آج بھی پوسٹ ڈال دیا ہے میٹنگ کے لیے، ہم نے جنرل اجلاس بلایا ہے سری نگر میں، اس میں سرکار کی ہم اینٹ سے اینٹ بجائی چکا ہے، اب پانی سر کے اوپر جا چکا ہے، ہم نے بہت عزت دے دی سرکار کو، گورنمنٹ کو، اس سے پہلے جو سرکار تھی اس کو بھی بہت عزت دے دی، آج جب گورنر رول چل رہا ہے ان کو بھی بہت عزت دے دیا، کمشنر سیکرٹری نے ایک مہینہ مانگا تھا، ہم نے ٹائم دیا، لیکن حال ہی میں کل ایک اور فیصلہ آیا، اب یہ 4 مہینے لے رہے ہیں، اس کے بعد اور 4 مہینے لیں گے، اس کے بعد اور 4 سال لیں گے، اب ایسا نہیں ہوگا، اب فیصلہ کن میٹنگ ہوگی، فاروق احمد تنترے صاحب کی قیادت میں جو ہمارے چیئرمین ہیں، ساری ایگزیکٹو ہوگی، اور اب کے بار جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اگر عید کے روز بھی پروگرام بنا، عید کے روز بھی پروٹیسٹ کرنا پڑا تو سری نگر کی گلیوں کو ہم بند کریں گے، اب ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے، یہ رہبر تعلیم ٹیچرز فورم کا وعدہ ہے، اب کے بار اب کوئی سیاست نہیں، اب کوئی اس میں گنڈا گردی نہیں، اب اس میں کوئی گالی دے یا کوئی اور کچھ کہے، اب اس میں ہماری عزت ہے، ہماری انا، ہمارا سب کچھ اب داؤ پہ لگ چکا ہے، حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایک استاد ہارٹ اٹیک اس کا ہو گیا، محمد شفیع پیر صاحب جو کہ کپوارہ گلگام سے ہیں، تو مجھے لگتا ہے شاید یہی وجہ ہوگی، شاید اسی وجہ سے اس کا ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، میں اپنے استادوں سے اپیل کرتا ہوں، اپنے استادوں سے دو ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ آپ غلط کمنٹس مت کیجیے، آپ غلط طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال مت کیجیے، آپ اپنی لیڈرشپ پر بھروسہ رکھو، اب کے بار جو ہم نے ٹائم دینا تھا، ہم نے سرکار کو بہت ٹائم دیا، جو ہم سے ہو سکا ہم نے کوشش کی، کوشش ہم نے کی، لیکن اب کے بار اب کوئی کوشش نہیں، اب کوئی ٹائم نہیں، اب کسی کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا، اب جو ہوگا ہم خود کریں گے انشاءاللہ، آپ کی مدد سے، اپنے جو بھی ہمارے رہبر تعلیم استاد ہیں ان کی مدد سے، اب دیکھا جائے گا پروگرام کس نویت کا انشاءاللہ وہاں پہ تشکیل دیا جائے گا اور اس کو من ان لاگو کیا جائے گا، میں اپنے استادوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اب کے بار کمر بست رہو، دوسرے جو لوگ کوئی لوگ یہاں پر سوشل میڈیا پر سیاست کرنا چاہتے ہیں، اب کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اب حد سے سب کچھ تجاوز کر چکا ہے، اب سیاست نہیں ہوگی، نہ کسی کو اجازت ہوگی، نہ ہم سیاست کریں گے، نہ کسی اور کو، اور نہ ہی خدا رسول کی قسم آج تک ہم نے اس مدعے کو لے کر کوئی سیاست کی ہے، کسی ایک نے بھی نہیں، اب صرف انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو گئی، اب انشاءاللہ 16 تاریخ کو میٹنگ ہوگی،
वो फैसला कौन मीटिंग होगी, आज भी हमारे चेयरमैन फारूक अहमद तंत्रे साहब कमिश्नर सेक्रेटरी से मिले या फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले, उसने उनको कहा कि आपकी इज्जत के लिए मैंने आपको टाइम दिया लेकिन आपने मेरी इज्जत नहीं रखी, आपने मेरी लाज नहीं रखी, अगर इज्जत देना चाहते हो कम से कम एक महीना आज सेवंथ पे कमीशन के हिसाब से आप सैलरी सरकार के पास, अब ये वजह हो गया है। लेकिन खालिद साहब हम भी अपील करते हैं कि वो आप प्रोग्राम को अनफॉलो करें, जिस तरह का प्रोग्राम आए, जिस तरह का प्रोग्राम हो, अगर ईद का प्रोग्राम हो आपके बार सिर्फ ईद नमाज नहीं होगी, अब तो श्रीनगर की कोचे कोचो कोचों गलियों गलियों में प्रोटेस्ट होगा, जैसे हमारी ईद नहीं होगी श्रीनगर में हम किसी की ईद होने नहीं देंगे, हम ब्यूरोक्रेट्स की ईद होने नहीं देंगे। जब हमारी ईद नहीं है, जब हमने एक ईद मनाई थी श्रीनगर में, जब दूसरी ईद अब आ रही है, मसला जू का तू है, तो कैसे हम किसी को ईद कर देंगे? अब दुआर जय पालती होगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम चलने नहीं देंगे, किस सियासत कर रही है, उन्होंने गरीब बच्चों पर बहुत जुल्म डाले हैं। का इरादा क्या है, हमारे इरादे जो है अब्रेहम तालीम टीचर्स फोरम के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं जून से लेकर स्टेट तक, हमारे इरादे अब बदल गए हैं, अब इंशाल्लाह टीचर्स फोरम क्या है, रहबर तालीम टीचर्स जब चाहें तो हवाओं का रुख बदलते हैं, हवाओं का रुख बदलते हैं, रहबर तालीम टीचर्स फोरम ने ये साबित करके दिया है। तो अब के बार एक बार फिर चलो ये कहानी एक बार फिर से ही, मसला नहीं, हम बूढ़े नहीं हुए हैं, ठीक है हमने 40 या 35 क्रॉस किए हैं लेकिन बूढ़े नहीं हैं, हम जवान हैं, जवानी में हमने पूरी तरह से कदम रखा है, इंशाल्लाह हम अपने हक के लिए कुर्बान हो जाएं, हम अपने हक के लिए मरें, हम शहादत ले लें, कोई मसला नहीं है, हक के लिए लड़ना, हक के लिए मरना, हक के लिए शहीद होना कोई गलत बात नहीं है, हमारा हक है, हम अपना हक इंशाल्लाह छीन के लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जोरदीन बेग साहब, ये थे हमारे सेक्रेटरी जो है रहबर तालीम टीचर्स फोरम जनाब जोरदीन बेग साहब, वेटरन लीडर है तंजीम के, लोग आपको सुन रहे थे और वो इस वक्त लाइव जो है आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत से लोग और जुड़ना चाहते हैं, शुक्रिया, थैंक यू। मैं कोशिश करूंगा हर एक से जो है वो अपनी बात जो है वहां पे रखे, दो दो मिनट मैं सबको देना चाहूंगा कि दो मिनट में वो अपनी जो है बात रखे। काशिफ खान साहब जो है उनको मैं जोड़ना चाहता हूं, हर बार ये रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, बट दिस इज वेरी मच अनफॉर्चुनेट कि आप रिक्वेस्ट भेजते हैं फिर आप या तो नेटवर्क क्षेत्र में रहे या फिर आप फिर एड ही नहीं होते हो। काशिफ खान साहब तब तक देते हैं जो मैसेजेस कुछ हम ले लेते हैं यहाँ पे जब तक ऐड हो जाए, प्लीज टेक माजिद मारूफी। माजिद मारूफी साहब अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज आप रिक्वेस्ट भेजिए, लोग आपसे सुनना चाहते हैं, माजिद मारूफी साहब ऐड होना चाहिए। यू आर फियरफुल रिमेम्बर सिचुएशन ऑन ईद, वेयर आर यू नाउ सर, आप कहते है कि हर एक से मेरा ले लो, इंडेफिनेट लॉकआउट ऑनली सॉल्यूशन कह रहे हैं हमारे एक साथी, लॉकआउट लॉकआउट महादाबाद साहब कह रहे हैं, क्योंकि अब जो मसला है ये बहुत ही
क्रिटिकल होता जा रहा है। चौधरी रोशन हुसैन साहब, वालेकुम सर। सर आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में अपनी बात रखिए प्लीज, बहुत से लोग जुड़ना जी सर, चाहते हैं। मैं पहले आपकी जरूरत को, जो आपका आप पर एतमाद है रहबर तालीम को, इसको मैं सलाम करता हूँ। तो मेरी शुक्रिया मैं रहबर टीचर्स फोरम जून शांगस से सेक्रेटरी हूँ। तो मेरी आप जी। लोगों से गुजारिश है, आपकी क्यादत से, आप सारी नजरें आप पे टिकी हुई है, कि एक स्ट्रांग ये लॉकआउट कॉल या एहतजाज प्रोग्राम दिया जाए, ताकि हमें अब ईद तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब ने दिया है कि ईद के दिन हम नमाज पढ़ेंगे, उससे पहले ही हम शुरू कर देंगे, ताकि जिस तरह हमने हमारी एक पहले से जो हमारा ईद एक ईद नमाज पढ़ी गई थी, इंशाल्लाह उस ईद नमाज ने, जब जिस सरकार ने हमारे साथ धोखा किया था, तो उसका क्या अंजाम हुआ, तो उससे पहले ही हम शुरू करेंगे, और ईद ईद तक हम एक अच्छा इनको सबक देकर अपना मसला हल करवाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये खुद भुगतेंगे। चलो थैंक यू सर बात करने के लिए। आपकी राय जो है ये हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हम इज्जत करते हैं हर एक की राय को, क्योंकि ग्रास रूट लेवल से कोई ऐसी बात कभी कभार आ सकती है जो शायद हमारे जहन में ना पड़े, इसलिए जो है ये लाइव प्रोग्राम्स होते रहते हैं कि हम कनेक्ट हो जाए, जो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है इसका हम फायदा उठाए, और हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक जी सर, यू आपका सर। भी शुक्रिया। तो कोशिश करेंगे कि एक एक करके जो है छोड़ूं जो जो आता है। वी हैव फुल फेथ ऑन अवर ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम। शुक्रिया लोन बिलाल साहब, लॉकआउट एजाज खांडे साहब कह रहे हैं फॉलोइंग फुटप्रिंट साहब जम्मू कश्मीर व्हाट टू फॉलो। अंजुम निसार साहब कह रहे हैं फ्यूचर स्ट्रेटजी सर होगी यहाँ पे मीटिंग में तय, कैसे जाना है अब, हर स्टेप्स लिए जाएंगे, लॉकआउट एंड हंगर स्ट्राइक टिल आवर इश्यू रिजॉल्व वंस फॉर ऑल। शिवानी शौकत कह रहे हैं सॉरी नॉट फ्रूटफुल रेस्पॉन्डिंग टू हंगर स्ट्राइक विद लॉकआउट, कह रहे हैं लॉकआउट ओनली सॉल्यूशन, एनफ इज एनफ। शाह तारिक कह रहे हैं लॉकआउट स्कूल्स। Those offices, CEO's offices, directorate offices in proper solution. We have been dragged now. Reina Iqbal, Reina कह रहे हैं जरा आप ये टीजे का नाम है ना लो सर इस वक्त तो अच्छा रहेगा, आज गए यहाँ भी आगे यहाँ भी वह कबाब में हड्डी, अब की बार सिर्फ लॉकआउट। लॉकआउट इज द बेस्ट सोल्यूशन बट द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर चिल्ड्रन टू आर टू बी टेकन केयर ऑफ। वानी नज़ीर कह रहे हैं, वानी नज़ीर साहब मैंने कहा है हमने कभी नहीं चाहा कि हम जो है अपने रियासत के बच्चों का जो मुस्तकबल है उनको ख़राब करें, लेकिन मामला ही ऐसे हैं जब टीचर ही सेटिस्फाई नहीं है तो वो खाएगा क्या, उसका भी उसके भी बच्चे हैं, बच्चों को देगा क्या। जो जो जुड़ना चाहता है वो करे। माजिद मारूफी साहब से लोग जुड़ना चाहते हैं, मारूफी साहब प्लीज अगर आप वो देख रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट भेजें जी। आमिर रैना साहब सर, हम बहुत तंग आ गए हैं सर। मैं अपनी बात से ये रखना चाहूँगा, ग्रास रूट लेवल के जो टीचर्स हैं, जहाँ हम काम करते हैं, वो बड़े तंग आ चुके हैं। उनके पास पैसे नहीं है, किसी की माँ बीमार है, किसी के वालिद बीमार है, बच्चों के पास क्या बोलते हैं उसके, डॉक्टर के पास लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो ग्रास रूट लेवल्स पे जो है, यही है कि सर लॉकआउट दिया जाए। फाइनल फाइनल ये है कि लॉकआउट, हर कोई जी। लॉकआउट पर फॉलोड बाय हंगर स्ट्राइक एतमाद, ये कहते हैं कि भाई सर लॉकआउट दीजिए, क्योंकि हम बहुत तंग आ गए हैं सर। अभी भी जब मैंने आपको कॉल की थी सर, तब आप शायद थे, तो उस वक्त 10-15 मेरे मेरे घर में आए थे, वो तंग आ गए हैं सर। हम हमेशा एश्योरेंस एश्योरेंस एश्योरेंस, 2014 से हमें एश्योरेंस मिलती आई है, अब हम भी तंग आ गए हैं सर। ग्रास रूट लेवल का जो टीचर है,
वो यही कहता है कि लॉकआउट के बगैर कोई चारा है नहीं। तो मैं प्लीज, हमारी सजेशन है, हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे जो है मेंबर्स हैं उन तक ये बात पहुंचाए कि सर लॉकआउट 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 कॉल दी जाए, आप लॉकआउट कॉल दीजिए, हम उसका साथ भरपूर तौर तरीके से देंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू आमिर रैना साहब, आपने अपनी बात रखी। ये लिख रहे हैं यहाँ पे शबीर लोन साहब, बेटर टू रिकन्सिलेशन रादर कन्फ्रंटेशन। आज तक जो चल रहा था वो रिकन्सिलेशन ही थी, रिकन्सिलेशन में कुछ भी नहीं मिला, अब कन्फ्रंटेशन ही सही, और कन्फ्रंटेशन भी ऐसी जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। आमिर रैना साहब, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, आपका जो चेहरा है बहुत ज्यादा उतरा है, आप पे हमारी पूरी जो है नजरें लगी हुई हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे उस्ताद हैं, आप में हिम्मत और जज्बा होना चाहिए, आपकी हिम्मत से जो है और सब लोगों में हिम्मत बढ़ेगी। मैं बार बार कहता हूं इंशाल्लाह कि हमें इस नाजुक मरहले में जो है कहते हैं ना कि साथी हाथ बढ़ाना, जो जब भी मुश्किल वक्त इंशाल्लाह आए उसमें हम एक दूसरे का हाथ हाथों में लेकर आगे बढ़े और जो अपनी मंजिल है उसको हासिल कर सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने आप पर थैंक भरोसा यू रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें और पूरा जज्बा इंशाल्लाह जो है अपने आप में रखें। अभी हम जिंदा है, आपके भाई अभी जिंदा है, इंशाअल्लाह शुक्रिया हमने करके इंशाल्लाह दिखाया है आज तक, और आज के बाद भी जो है हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। जी, बहुत से लोग जो है हमारे साथ बात करना चाहते पे इस वक्त सबसे ज्यादा जो चल रहा है कि लॉकआउट होना चाहिए, मोहम्मद यासीन पता नहीं, अबू दारीन इज वाचिंग, शुक्रिया सर, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक एंड आफ्टर दैट लॉकआउट इफ नीडेड, शान शरशाद कह रहे हैं। तो अपनी अपनी राय हर एक की। जी सर, आप अपनी बात रखें, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई वालेकुम सलाम। जी आपके साहब। पास सिर्फ, जी, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है प्रोग्राम चलाने के लिए, आप 1 मिनट में अपनी बात रखें। जी बिल्कुल खाल साहब, अभी तक हमने बच्चों का सोचा, हमने कभी लॉकआउट कॉल नहीं दे दी, लेकिन आज पानी हमारे सर से ऊपर चला गया है। मेरे ख्याल में हमें लॉकआउट कॉल देनी चाहिए, बस मेरी यही बात है। आपने हमारे साथ बात की, लाइन पे लेना चाहेंगे। सईद इम्तियाज साहब ने रिक्वेस्ट भेजी है, हाउ मेनी टाइम्स एसएसए टीचर्स विल बी बिफूल्ड बाय दिस एडमिनिस्ट्रेशन, इट सीम्स ईदर मिस्टर एफेतांत्री इज नॉट सीरियस और ही इज नॉट कैपेबल। सईद इम्तियाज साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। जी आपके पास, आप एपेक्स लीडर हैं बट आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है सर। जी आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, आवाज आ रही है आप? हाँ सर, हाँ सर, अच्छी तरह से आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दे पाऊंगा, आप 1 मिनट में अपनी बात रखिए प्लीज, स्टेट सर इस अपने वक्त पॉइंट। जो सूरत हाल है इस वक्त, जो व्हेन वी गो टू द इनर साइड थ्रू ग्लिम्प्स, व्हेन वी सी द डीपली टुवर्ड्स द सिचुएशन ऑफ एसएसए टीचर्स, दे आर टोटली मेंटली ट्रामा, दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट, देयर पोजीशन इज वेरी मच पैथेटिक। सो आई रिक्वेस्ट आवर लीडरशिप मिस्टर फारूक अहमद तांत्रे साहब टू मेक अ प्रोग्राम दैट इज लॉकआउट प्रोग्राम प्लस हंगर स्ट्राइक, अदरवाइज देयर इज नो एनी ऑप्शन at all, because we are fed up uncertainty. Our salary has been now fixed. How you can say me how it is possible our salary is now fixed? कि हमारे पास न टाइम बाउंड है, न अब इस वक्त इंक्रीमेंट है, न अब हमारी मान कोई भी प्रमोशन नहीं है. Is it means this salary is now has been become a fixed salary. कुछ कह रहे हैं कि फिक्सड सैलरी नहीं है, ये फिक्सड सैलरी हो गई है. अब इसके लिए हमें कदम इकदम उठाना है, हमने बहुत टाइम दे दिया है. अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके जरिए से अपने चेयरमैन साहब फारूक अहमद तांत्रे साहब से कि वो लॉकआउट के बगैर अब कोई चारा नहीं है,
क्योंकि जी हमारे साथ जुड़ने फैमिलीज के लिए हमारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बात रखी, और लोग जुड़ना चाहते हैं, मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो आपने अपनी ओके बात ओके, रखी, थैंक यू सर, आपने अपनी थैंक यू राय सर, रखी। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू, सर, दिस यू आर बहुत बहुत ग्रेट अस। शुक्रिया आपका। तो आप अपनी राय रखें, आपको जो है हम मैं वक्त दे रहा हूँ, अपनी बात आप सीधे रखिए। प्लीज ब्रिंग शाह। कौन है शाह फयाज? उसके साथ वो मेरे फ्रेंड नहीं है शायद। लॉकआउट मीर अदीब साहब लिख रहे हैं, इंडेफिनिट लॉकआउट, वी आर फेड अप नाउ सर, इट इज एनफ नाउ। जी ये हमें पता है, परेशानी बहुत है। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द, हम चाहते थे कि मसला हल हो, लेकिन गवर्नमेंट इस पोजिशन में नहीं है कि वो 41,000 जो नौजवान है, जवान है रियासत जम्मू कश्मीर का, जो पढ़ा लिखा यूथ है, वो चाहते हैं कि हमारे साथ जो है सौतेली माँ का सुलूक जो उन्होंने रवा रखा है, वो उसको कैरी ऑन करना चाहते हैं। और हम भी अब बैठने वाले नहीं है, ये जंग अब जो है जारी रहेगी और बहुत शिद्दत इख्तियार करेगी। जी आप अपनी बात रखिए 1 मिनट में प्लीज। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हेलो सर, जी बताइए, आपके पास हेलो सर, आवाज ही नहीं आ रही है। सिक्स आ रही है मेरी आवाज? जी बताइए। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी सर, सलाम। मेरा मानना यह है कि अगर जी सर मेरा मानना यह है कि अगर पहले इत्तेहाद हो जाता तो ये मसला आसान करना ज्यादा आसान रहता हम टीचर्स के लिए। इत्यादि के लिए बहुत सी कोशिशें हुई है, इस वक्त मसला कुछ और है, अब उस पर बात करें। जी सर, बस प्रोटेस्ट की कॉल होनी चाहिए, तो प्रोटेस्ट होना चाहिए, तब मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी शुक्रिया, आपकी जो राय है इसका हम खैर मकदम करते हैं। आपने इत्तेहाद के बारे में बात की, इस वक्त जो है हर एक को एक साथ इकट्ठे होने की जरूरत है, ताकि जो एसएसए टीचर जो है उस बिल्कुल मसला जो बना हुआ, खतरनाक मसला बना हुआ है, इससे हम इनको बाहर निकाल सके। और हमारा जो उस्ताद है ये रखने के लिए हिलाल शाह साहब हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए शायद कुछ। इज इट ओके नाउ? नाउ इट इज फिक्स्ड सैलरी, प्लीज यूनिटी। जी यूनिटी के खिलाफ कोई नहीं है, यूनिटी सब चाहते हैं कि हो, पर हो नहीं पा रही है। शर्तो शरायत वहाँ से यहाँ से कारवां चल रहा है ऐसे ही। सम एसए टीचर्स आर गेटिंग रेगुलर सैलरीज विद 7th पे कमीशन, मोस्ट ऑफ देम आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स नाउ, इट इज टाइम फॉर डू आर डाई। ये बड़ा मुझे हमेशा तंग करते रहते हैं मैसेंजर के जरिए, ये मोहम्मद कोई है उनसे गुजर मेरे प्रोग्राम को, मोहम्मद शाहिद, ये मैसेंजर मोहम्मद शाहिद साहब आप मैसेंजर के जरिए ये अब प्रोग्राम चल रहा है। हाँ जी, तो ये कोई पता नहीं है, ऐसे ही बिस्तर में बैठकर मैसेंजर के जरिए डिस्टर्ब कर रहे हैं प्रोग्राम को। तो मैं जोड़ना चाहता हूँ और साथियों को, प्लीज़ जो जो नेटवर्क क्षेत्र में है वो मुझसे बात करें जल्दी जल्दी। ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आप लाइव प्रोग्राम में मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक को, इसीलिए मैं एक एक मिनट दे रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपकी राय जो है मैं ले सकूं, क्योंकि फिर मुझे मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल आते हैं, आपने हमें ऐड नहीं किया है। मैं आपको मौका दे रहा हूं, जो भी है, कोई लीडर है, कोई मेरा रहबर तालीब आम जो है हमारा ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है, उसको भी मैं मौका फराहम कर रहा हूं। बट मैसेंजर के ज़रिए हिलाल शाह साहब मैंने जोड़ने की कोशिश की, आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप अपना नेटवर्क जो है चेक करें, मैंने ऐड करने की कोशिश की थी आपको। तो आप जो है जल्द जल्द जो है मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, बट वहाँ से कोई भी लॉकआउट लॉकआउट कह रहे हैं। अनंतनाग एंड बांडीपुरा शुड ज्वाइन हैंड्स फॉर एसए टीचर्स। ये सिर्फ अनंतनाग और बांडीपुरा का मसला नहीं है, ये पूरे जेएंडके का मसला है।
साकिब शबीर साहब, वालेकुम अस्सलाम, आपके पास एक अस्सलाम मिनट है, एक वालेकुम। मिनट में अपनी राय रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपके पास एक मिनट है, आप एक मिनट में अपनी राय रखिए शबीर साहब, मेरे पास टाइम बहुत कम है, प्लीज। सर बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब बहुत हो चुका है, बस अब स्ट्रेटजी अपनी चेंज कीजिए, लॉकआउट पूरा संघर्ष स्ट्राइक जब तक हमारा मसला हल ना हो जाए। यही हमारी जी अपेक्स से रिक्वेस्ट है कि मतलब हमने बहुत वेट किया। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लेकिन बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, थैंक्स। अभी मैं 2 मिनट है, 11 बजने में, 11 बजकर 15 मिनट पर ये प्रोग्राम 15 मिनट में और चलाऊंगा प्रोग्राम को। मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐड करने की हर एक को, बट कुछ लोग जो है वो हो नहीं पा रहे हैं। आई थिंक यू कांट गो फॉर लॉकआउट अनलेस एंड अंटिल यू ज्वाइन हैंड्स एट लीडरशिप लेवल। लॉकआउट इज नॉट वन मैनस जॉब। शेख राशिद साहब, हमने जो है इससे पहले भी लॉकआउट किया है, जब भी हम प्रोग्राम देते हैं हम फिर अमलाते भी हैं और पूरे जोर शोर के साथ अमलाते हैं, नहीं करते हैं, अपने लोगों को साथ लेकर जो है काम करते हैं, हम यूनिट जो है टीम वर्क में यकीन रखते हैं और हर एक मसले का जो है हमने बखूबी हल निकालने का जो है हुनर वो हमें पता है इंशाल्लाह। बस यही है कि ये मसला हर एक का है, हर एक इसको दिल से ले ले तब और ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। इज़ आवर इशू गोइंग टू रिजॉल्व और नॉट इंशाल्लाह सजाद पाला साहब, किसी भी तरीके से। पीर शबीर साहब, अगर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं तो आपको बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान मत हो जाइए। खुश है मेरी जुड़ जाए, लेकिन सब नहीं जुड़ पा रहे हैं। बिलाल मीर रखे लिख रहे हैं, माजिद साहब कोदगो, उनका कहीं पता नहीं है वो कहाँ पे हैं। यूनिटी द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, वी फेड अप विद दिस स्कीम। जी स्कीम मैंने नहीं लाई है, ये स्कीम गवर्नमेंट ने लाई है, उन्होंने ये सारा कुछ बनाया हुआ है। तो शायद मीरदीप साहब, स्ट्राइक नीड ऑफ द आवर है इस वक्त बहुत ज़्यादा, जज्बे की जरूरत है, इखलास की जरूरत है, हौसलों की। दिस टाइम लीडरशिप ऑफ ऑल फैक्शन शुड जॉइन हैंड्स बाय कीपिंग ऑल डिफरेंसेस असाइड, दिस इज द इनर वॉइस ऑफ एवरी एस एस टीचर। बहुत अच्छी बात आपने कही है सर। जी आप लोगों को किसी ने बर्बाद नहीं किया है, पहले आप अपना जो है रियल आईडी दे दे पीर साहब। तो हम कोशिश कर रहा हूँ मैं कि हर एक जो है अपनी पे रखें, जो जो जुड़ना चाहता है वो रिक्वेस्ट भेजे और मैं कोशिश कर रहा हूँ। वालेकुम। वाले साहब जी, आपके पास एक मिनट है, अपनी बात रखिए प्लीज जल्दी। आप ठीक हो सर? साथ मुझे आपका वादा टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे लाइन पे है, लेकिन मैं बस एक बात आपके माध्यम से फारूक साहब तक पहुंचाना चाहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि जो 16 अगस्त है उसमें लॉकआउट प्लस प्रोटेस्ट होना चाहिए, शायद कुछ बनता है।
आपकी क्या जी, राय है? आपकी राय है, मुझे लग रहा है कि आपकी राय, आपने अपनी, आपने अपनी राय रखी है, मीटिंग में डिसाइड होगा हर कोई। मैं कह रहा हूँ आपने अपनी राय रखी, आपकी राय जो है बहुत, सर मैं इसमें खैर मकदम करता हूँ आपकी राय का। ये हमारे लिए बिल्कुल बड़ी खुशनसीबी भी है कि यस आप अपने जो व्यू पॉइंट है हमारे साथ शेयर करते हैं, अपनी राय शेयर करते हैं, बिल्कुल और आपकी राय बिल्कुल कलमबंद की जाएगी और इसको डिस्कस किया जाएगा इंशाल्लाह। फिर देखते हैं आउटकम क्या आता है वहां से। चलो थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बात यही थी आज का, जो मेरा ये लाइव आने का जो मुद्दा मकसद था वो यही है कि हिम्मत और हौसलों से वो कौन सा काम नहीं है जो हमने या किसी भी इंसान ने हाल ना किया हो। हिम्मत और हौसले बनाए रखें, अपने आप में जज्बा रखें, इंशाल्लाह ये लड़ाई लंबी भी चली गई, हमें लड़ना पड़ेगा। अगर हमारे नसीब में यही लड़ना है तो हम लड़ेंगे। बिलाल मीर कह रहे हैं, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू लीडरशिप इज़ दैट टू मे कंटिन्यू हंगर स्ट्राइक एट श्रीनगर एंड ऑल जोनल प्रेजिडेंट शुड बी गिवन 50 टीचर्स एवरी डे एंड देन द प्रॉब्लम विल बिकम सक्सेसफुल। आपकी राय बिलाल मीर साहब, हम खैर मकदम करते हैं आपकी राय का, ज़ह नसीब। चौधरी रोशन हुसैन कह रहे हैं, ये बोथ द लीडरशिप्स आर नॉट गिवन लॉकआउट, देन अनंतनाग एंड बांडीपोरा शुड जॉइन फॉर लॉकआउट एंड हंगर स्ट्राइक। चौधरी रोशन हुसैन साहब, ये मसला सिर्फ बांडीपोरा और अनंतनाग का नहीं है, मैं इसे पहले भी कहा है, ये पूरे रियासत जम्मू कश्मीर का मसला है। सबको, हर एक की जिम्मेदारी बनती है ग्रास रूट लेवल से लेकर एपेक्स लेवल तक, कि हम एक दूसरे के हाथों में हाथ रखकर इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने की खातिर एक तेज़ तरीन जो है प्रोग्राम जो है नशर करें। तो बहरहाल हमने इसे पहले भी जो है लॉकआउट किए हैं और उसका जो रिजल्ट्स हैं वो हमने इससे पहले भी देखा है। तो मैं आखिरी कॉल अगर लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, या तो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं फिर आप डिक्लाइन करते हैं, आना नहीं चाहते हैं। फिदा अस्सलाम फिरदोस वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम सर, आप अपनी बात रखें प्लीज़ जल्दी। अच्छा मेरा एक अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, सुन रहे हैं आप जी? बताइए आप। अच्छा मैं आपको वॉच कर रहा था, मैं आपको सुन रहा था। आई एम टॉकिंग एज ए पेरेंट। एज ए पेरेंट आई वांट टू से समथिंग That जी can, instead of locking the schools, don't you people have other options? सर जी, वी हैव यूटिलाइज्ड ऑल ऑप्शंस जो हमारे पास थे, वेदर इट वाज प्रोटेस्ट एट जोनल हेडक्वार्टर्स, वेदर इट वाज द प्रोटेस्ट एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, वी प्रोटेस्टेड एट श्रीनगर। हमने हर एक जो हमारा ऑप्शन है वो किया, उसके बाद हमने No, मैं इन लोगों प्रोटेस्ट के की साथ बात जो कर है, रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं नहीं सर मैं आप कह मेरी रहा बात, हूँ, मैं कह रहा सर हूँ मैंने अगर एज ए आपके, पेरेंट मैं बात करूं तो आपका आई विल पैर, नॉट बी इन फेवर ऑफ प्रोटेस्ट एट ऑल बिकॉज जी देखिए, जहां पे मेरी ड्यूटी है वहां पे मेरे राइट्स भी है सर। जहां पे मैं ड्यूटी दे रहा हूँ वहां पे मेरा तनख्वाह लेना मेरा हक बनता है। अगर मुझे इस तनख्वाह लेने से महरूम किया जाता है तो मैं अपनी ड्यूटी को आसान तरीके से अदा नहीं कर पाऊंगा। हमने कैंडल मार्च भी किया, प्रोटेस्ट भी किया, हमने डिलिब्रेशन भी की, हमने रिकॉन्सिलेशन के जरिए हम इनसे मिले भी, हमें कहा गया कि आपका जो मसला है ये हल करेंगे। अगर नहीं हो पा रहा है, सब कुछ करने के बाद नहीं, अगर ये चीजें आप नहीं हो रही। नहीं जी अगर आप एज ए प्रोटेस्ट बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाएंगे, बच्चे जब एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ेंगे, सपोज आप 4 बजे 3 बजे छुट्टी होती है, आप 5 बजे तक पढ़ाएंगे, 6 बजे तक पढ़ाएंगे और पेरेंट वायलेट हो जाएंगे, कहेंगे हमारे बच्चे स्कूल से वापस नहीं आ गए, तो पेरेंट जी वायलेट हो आपकी जाएंगे। बात, मैं समझता हूं कि इंस्टेड ऑफ यू पीपुल पेरेंट शुड को प्रोटेस्ट इन फेवर ऑफ यू। बहुत अच्छी आपकी राय है, इस राय का खैर मकदम करते हैं। एक नया जो है, हम इस बारे में जी हमने बात इससे पहले भी की थी कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे, लेकिन एक उस्ताद के पास अब ये भी नहीं बचा है कि वो वहां स्कूल तक पहुंचे, एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से देगा सर। फिर भी जो आपकी राय है इसका हम खैर मकदम करते हैं, इसको हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि एक
हमारी पेरेंट्स की तरफ से जो है, मैं आपको एक बात बताऊं, इससे पहले हमने लॉकआउट के प्रोग्राम दिए, उसमें हमारा बच्चा भी सड़क पे आया अपने उस्ताद के लिए, पेरेंट भी आया और सिविल सोसाइटी भी आई। हमने कभी नहीं चाहा रहबर तालीम टीचर्स फोरम का जो है मुद्दा और मकसद है वो है हमारा प्राइमरी मोटो जो है दैट इज वो हमारी एजुकेशन है, चाहे हमारे लीडर हो चाहे हमारा कोई भी हो, हमने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स कभी भी स्कूल आवर्स के दरमियान ऑफिस में नहीं जाएंगे, हमने हमेशा प्रायोरिटी दी है कि हम स्कूल में रहें। मैं आपको कहूं कि हम सड़कों की जियारत नहीं बनना चाहते, हम स्कूलों की जियारत बनना चाहते हैं, नहीं, मैं लेकिन सरकार जो है, सरकार जनाब हमें मजबूर कर रही है। नहीं जनाब, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, एज ए पेरेंट आपने मुझे कभी चांस दिया है कि मैं प्रोटेस्ट करूं आपके फेवर में कि आपको प्रॉब्लम है, आपको पे मिलना चाहिए, आपको सेवंथ पे कमीशन मिलना चाहिए, आपको हर कोई बेनिफिट एज ए टीचर मिलना चाहिए, मगर मगर क्या आपने कभी स्कूल में पेरेंट पेरेंटल मीट कभी की और पेरेंटल को आज अपनी के प्रॉब्लम जमाने बताई में, स्टूडेंट के आज के वसाइल जमाने से? में स्क्रीनिंग टेस्ट का जब नारा लगा नईम अख्तर ने जब दिया, तो हर एक जो रियासत का बाशिंदा है उनको पता है कि उसाजा साहिबान के साथ उस वक्त ठाठे मार रहे थे लोग, उस वक्त हंस रहे थे पेरेंट साहब आपका ये जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है। एक एक उस्ताद को पता है कि रहबर तालीम उस्ताद जो है ये 3 महीने 4 महीने तनख्वाहों के बगैर है, हम 11 महीने 9 महीने तनख्वाहों के बगैर रहे और हमने स्कूलों को कभी लॉकआउट नहीं किया। क्या कोई उस्ताद कोई पेरेंट उस वक्त आया कि आपकी तनख्वाह नहीं नहीं जनाब, है? आप मेरी बात मैंने आपकी बात सुन ली है, जनाब, आपने जो मैं आपको अच्छी तरह सुन जी जो आप आपने जो बात मुझे सर कही आपकी बात मैंने ली। लोगों को पता है, जब गवर्नमेंट को पता है तो गवर्नमेंट के जो जनाब, लोग हैं उनके जो वोटर हैं उनको नहीं पता है? स्क्रीनिंग टेस्ट जब एक मूची को पता हो सकता है, एक कसाई को पता हो सकता है, एक पेरेंट को पता नहीं हो सकता है? एक टीचर की हालत क्या है, ये एक बच्चे से लेकर, पिछली बार हमने लॉकआउट किया, बच्चे भी आए सड़कों पर, पेरेंट भी आए और सिविल सोसाइटी भी आई, उस वक्त सर आप कहां थे? आपको नहीं पता है? जरा आप दिल पर हाथ रखकर कहे कि मुझे आज तक नहीं नहीं मैं पता है ये कि आपकी कहूंगा, तनख्वाह मैंने बंद। नहीं, मैं ये कहूंगा एज ए पेरेंट मैंने एक एक प्रोटेस्ट किया कुपवाड़ा में कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स हैं इनको आप वीआईपी स्टेटस दे दो, इनकी जो प्रॉब्लम्स है इनके प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, और इनका जो भी मसला है, जो उस्ताद एक उस्ताद होना चाहिए, एक नेशनल बिल्डर है, आप हमें कहां पे काम इसको कर रहे रेस्पेक्ट हैं? देना चाहिए आप सर और कहां जो पे काम, इसका खोया हुआ एक मिनट रेस्पेक्ट सर, है उसको वापस मिलना चाहिए। मगर आपने स्कूल में कभी ऐसा प्रोग्राम किया कि पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंटल सबसे टीचिंग, पहले पेरेंटल टीचर मीटिंग की? दिस इज वेरी मच अनफॉर्चुनेट, यू आर टॉकिंग विद द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ रहबर तालीम टीचर्स फोरम, यू आर वर्किंग इन एजुकेशनल जोन जोन लंगेट, यू आर एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और आप झूठ बोल रहे हैं। वैसे पेरेंट मुझे पता नहीं है आपकी हालत क्या है, आपको पता है कि हमारी हालत क्या है? आपके जोन में प्रोटेस्ट हुए हैं, आप जोन लंगेट में काम कर रहे हैं, जोनल एजुकेशन ऑफिस में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप कर रहे हैं और हंस रहे हो, अब आप हंस रहे हो, अब आप हंस रहे हो, आप जोन लंगेट में काम कर रहे हो, आपको पता है, आप धोखा दे रहे हो, आप जैसे लोगों ने जो है सरकार को जो है उनको उनको ये उकसाया है कि इनके साथ आपका मसला था, हल नहीं हुआ है 22 साल के बाद, आपने राय दिया, अब अपनी राय अब अपने पास रखिए। शुक्रिया सर, हम झूठे लोगों के साथ बात नहीं करते हैं। जोन एजुकेशन जोन लंगेट में काम कर रहा है बंदा और वैसे तो पेरेंट मुझे सवाल कर रहा है, आपने मुझे मौका दिया है, दिस इज होकर आप पेरेंट बनकर आए और आपको पता नहीं है? एक एक बंदे को पता है, रियासत के एक एक यहां जो बाहर से भिखारी आता है उस भिखारी को भी पता है, उन भिखारियों ने भी जब, अब सुनिए आप मेरी बात, उन भिखारियों के पास जो यहां रियासत से बाहर जो भिखारी आते हैं जब वो भीख मांगने आते हैं किसी प्रोटेस्ट प्रोग्राम में, उनको पता चलता है कि भाई ये ऐसे ऐसे टीचर है और वो भी वो हमारा प्ले कार्ड उठाते हैं और लिखते हैं, फोटोग्राफ्स आए हैं ना आपने देखे होंगे, और वो ऐसे उठाते हैं और कहते हैं इनकी सैलरी हल करो। सर आप इतने जिम्मेदार इंसान हैं, आप जून लंगेट में काम कर रहे हो और आप लाइव आकर, आपको पता है कितने लोग देख रहे हैं ये लाइव प्रोग्राम, कितने लोगों, हजारों लोगों के तक चला जाता है लाइव प्रोग्राम प्रोग्राम तो ऐसे इंशाल्लाह आइंदा आप ऐसे ना करें, गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। हम ट्रेड यूनियन लीडर हैं, हमारे एक हर एक चीज़ की हम खबर रखते हैं कौन कहाँ पे हैं। आते हैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भेजी है वानी शौकत, नो प्रॉब्लम। तो चलो
ہوتا ہے, ہم نے ہر ایک نے پرت کنشیز آزمائی میں رہبر تعلیم استاد, رہبر تعلیم ٹیچر جو ان کی مرضی میں آئے کرے, کسی کو اب ہم کرنے نہیں دیں گے. محمد یاسین صاحب آپ کے پاس ایک منٹ ہے, اپنی بات رکھیں. ہلو ہلو, وعلیکم السلام جی, آپ کے پاس ایک منٹ ہے, آپ اپنی بات رکھیں جی, بتائیے. میں آپ کے نیٹورک میں پرابلم ہے. نہیں, ان کو سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, ان کو مزہ آتا ہے استاد کی کھینچائی کرنے میں, یہ استاد ہے, استاد کو کھینچنے میں سب کو مزہ آتا ہے. استاد کو کون بخشتا ہے, استاد کی عزت اس سماج میں کون کرتا ہے, استاد کو اس حال تک کن لوگوں نے پہنچایا ہے. اگر یہ کوئی وہاں پہ منسٹر بیٹھا ہے تو اس منسٹر کے ارد گرد وہ ووٹ ڈالنے والے لوگ کون ہیں, وہ اسی سول سوسائٹی سے آتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے اسکریننگ ٹیسٹ میں جو ہمارے ساتھ انٹرویو کیے گئے, اس میں کون سے نام نہاد سول سوسائٹی کے لوگ لائے گئے تھے, وہ تمام پی ڈی پی کے جو تھے ان کے ذمہ دار تھے اور وہ ہمارے سے بات کر رہے تھے. محمد یاسین صاحب آپ اپنا جو ہے نیٹورک, کیے جو آپ کا نیٹورک ہے اس کو آپ ٹھیک کریے. ہمیں پتا ہے, ہم نے سہا ہے, ہم نے دیکھا ہے, میرے بال سفید ہوئے ہیں, میری داڑھی سفید ہوئی. جی میں کوشش کر بس دو منٹ میرے پاس ہیں, جو اس وقت جڑے گا اس سے بات ہوگی. آپ کا بہت سمے میں نے لیا ہے. نائس سر ٹائیگر, شکریہ محمد شفیع صاحب. مسٹر پریزیڈنٹ یو آر ٹو مچ, آئی کانٹ اسٹاپ لافنگ. کیا کرے سر, تو شکریہ سر, میں نے بہت کوششیں کی لوگوں کو جوڑنے کی, یہاں پر لائن لگی ہے ریکویسٹس کی بہت زیادہ, تو کوشش کر رہے ہیں, ڈیکلائن کر رہا ہے کوئی, کوئی آنا نہیں چاہتا, تو شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا. آپ اتنی دیر تک ابھی آپ جاگے ہوئے ہیں, مجھے پتہ ہے, میں سمجھ سکتا ہوں کہ کیا کن مشکلاتوں میں ہم ہیں, کن مشکلاتوں میں میرا بھائی میری بہن اس وقت ہے, کون سے ظلم و ستم اور ہمارے ساتھ کون سی سازشیں رچی جا رہی ہیں. تو ہم سب کو جو ہے مل جل کر آگے بڑھنا ہوگا, اب پیچھے مڑنے کا کوئی وقت نہیں ہے, کرٹیسائز کرنے کا, گالی گلوچ کرنے کا, یہ سب جو اس وقت ہے اس سب کو جو ہے بند کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ایک ہونے کی ضرورت ہے اور ایک ساتھ جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جس نے بھی یہاں پہ اپنی بات رکھی, جن کو بھی موقع ملا, کسی کا جو ہے نیٹورک پرابلم دکھا, کسی کو ایڈ کرنے کے لیے میں نے بہت کوشش کی بٹ وہ نہیں ہوئے, کسی نے کوئی ایڈ ہونا نہیں چاہتا تھا. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ الرحمن ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے, ہاں اب کیا لکھے گا, اب یہ لوگ یہی لکھیں گے توحید وارثن صاحب, تو لکھنے دو, کوئی بات نہیں ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ جڑے رہے اتنے دیر تک. انشاءاللہ امید ہے کہ جو آنے والی ہماری میٹنگ ہوگی اس میں جو ہے انشاءاللہ ہم ایک اچھا اور کارآمد پروٹیسٹ پروگرام لے کر آپ کے سامنے آئے, ہر ایک کی وہاں پہ رائے لی جائے گی, ہر ایک کا جو ہے اس کی رائے کی قدر ہوگی, اور ایک جو ہے اس سے کیسے ہم باہر نکلے, تو انشاءاللہ وہی اس میٹنگ میں ہوگا. فی امان اللہ, اللہ تعالیٰ سب آپ سب کا جو ہے حامی و ناصر رہے, آپ کی حفاظت کرے, آپ کے اہل و عیال کی حفاظت کرے, آپ کے ماں باپ کی حفاظت کرے, آپ کے بیوی بچوں کی حفاظت کرے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا مسئلہ جو ہے یہ جلد جلد اس کے اذن سے بہت جلد حل ہو جائے, اور یہ جس میں ہم جس بمر میں ہم پھنسے ہیں اس بمر سے ہم بہت جلد جو ہے نکل کے آئے اور ایک نئی صبح کی شروعات جو ہے وہ ہو جائے. آپ سب کا ایک مرتبہ پھر تہ دل سے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.